मुझे ना पिछली बार हमारे महाराष्ट्र के एक राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी, वो कह रहे थे कि इनकी जमीन खसकते हुए दिख रही है, इसलिए गुजरात में मोदी जी और अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तभी मैंने कहा था वो उनका नम्रपणे दिखा रहे हैं, अपना स्वभाव लोगों के सामने की पीएम रहने के बाद भी मैं गुजरात को आज भी नहीं भूला और मेरे लोगों को नहीं। तो मुझे लगता है सबने कहा कि एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है, पर यहाँ पर एंटी नहीं प्लस में इतना बड़ा स्वीप मारते हुए दिखाई दे रहा है। और उसमें जो कमजोर दिख रहे हैं वो मुझे लगता है राहुल गांधी जी, जो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं, जो कभी भारत टूटा ही नहीं था उसे जोड़ने निकले थे, शायद अपने स्टेट को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं जो इतने माइनस में जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे भी सोचना बहुत जरूरी है। जिनका कोई लेना देना नहीं गुजरात में, उन्हें बढ़ा रहे हैं और अब खुद को डाउन कर रहे हैं। मैंने पहली बार राजनीति में देखा है कि किसी और को बढ़ाने के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट बहुत सालों से जो बॉर्डर सीमा कर्नाटका का और हमारे महाराष्ट्र का चल रहा है, दिस इज नॉट अ वेरी न्यू इशू व्हाट हैज कम नाउ। बोलते हैं ना, बच्चा उसी के पास रोता है, अपनी माँ के पास ही रोता है जब पता है कि माँ रोने के बाद मुझे शांत करा सकती है। इतने सालों से जिनकी गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर में थी, उन आज तक इतनी बड़ी आवाज कभी नहीं निकली, पहली बार निकली, उन्हें ये पता है स्टेट और सेंटर दोनों बीजेपी के पास है, तो शायद अगर अब बच्चे रोएंगे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किस बात में कॉन्स्पिरेसी है जो मुझे ऐसा लगता है, जो ये चीजें जुडिशरी होती हैं, उसे पहली बात तो पार्लियामेंट में लाना नहीं चाहिए, और अगर पार्लियामेंट में रहते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनमेच्योरिटी इसमें दिखाई देती है। कोई भी राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य के लोगों के साथ में मारामारी नहीं कर सकते, इसका हम भी निषेध करते हैं, पर उसी के साथ में जो जुडिशरी मैटर है फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, उसे आप ला के क्या दोहराना चाहते हैं? क्योंकि ये ऑपोजिशन के लोग हैं महाराष्ट्र में जो हर चीज को बखेड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटका और यहाँ नाटक, ये एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सीनियर लीडर थे 40 साल से जो वहाँ के सीएम रहे, उन्होंने बहुत कोशिश की पर ये सॉल्व नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है जो चीजें इतने सालों से चल रही हैं उसे उसी तरीके से साइलेंटली और पेशेंटली लेना चाहिए, तब जाके ये चीजें होंगी। अगर स्पेशल बेंच कोर्ट में बनता है देन ये जो बॉर्डर की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।